सर, जान पांडे ने पता एक बचने के लिए निशान बताया था, वो ट्राई करते ठीक है। लगता है ज्ञान पांडे ने ना गलत निशान बता दिया। ये ज्ञान पांडे ने ना ढक्कन है, ये निशान देखने के बाद ये लोग डरे तो नहीं, उससे ज्यादा अब घुर्रा रहे। अब क्या करें? गाइस जल्दी भागो। ट्राई करूं तो करूं कैसे, फिर पीछे जो भाग रहे ठीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूं। अरे विष्णु माया, हम इन वीडियो से देश को नहीं लौट सकते, लेकिन उनको भटका से हो सकते। तो एक काम करें, तो अपने बच्चे बनो, उनका जान भटका। पर मेरे बहुत सारे रूप बन जाए। बस ठंड के मारे मेरी परछाई काम ही नहीं कर रही है। मैं नहीं काम कर रही हूँ, मैं अपनी पेंशन एक पेंशन अपने नौकरी ठीक है। ठंड के मारा भाई कोई भी शक्ति काम करने वाली नहीं है, इसलिए जल्दी से भागो। फिला तूफान नहीं रुका तो सूरजपुर की प्रजा कैसे बचेगी? गरम गरम स्त्री पे हाथ सेकने डुगू, प्रेशर आए ना आए फिर भी निकालने डुगू। बाल बाल बच गए भैया, डुगू पापा ने क्या हो गया ये? क्या हुआ डुगू, इतना चिल्ला क्यों रहा था? होगा क्या, तुम्हारे भाई की गदा पच्चीस से खत्म ही नहीं होती, रोज नहीं नौटंकी। अरे जीजा जी, नौटंकी मैं नहीं कर रहा हूँ, किस्मत करती मेरे साथ। अभी देखिए ना, अच्छा वाला हाथ सेक रहा था, हाथ तो जल गए। क्या डुगू, तू भी ना, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बेचारे बच्चे भी परेशान हो गए होंगे, मैं उन्हें बताकर आती हूँ कि सब कुछ ठीक है। रुकनी रुको, तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो, वो नहीं डरे होंगे। हाँ वो तो ठीक है आदित्य, पर अगर बता भी दिया तो हर्जी क्या है, मैं उन्हें बोलकर आती हूँ। अगर रुक्मणी ने दरवाजा खोला तो उसे पता चल जाएगा बच्चे घर पर नहीं है, बर्फीले तूफान का हल ढूंढने गए, मुझे उसे रुकना होगा। रुक्मणी प्लीज। अरे बच्चे कहाँ है, और ये खिड़की भी खुली हुई है। जीजा जी, हम लोग बाहर चल के उनको ढूंढते हैं। जब बच्चे बाहर है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? मैं जा रही हूं अपने बच्चों को ढूंढने। दीदी ओह माय गॉड, बस आगे मौत है और पीछे का, अब करें तो क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुसीबत कम दी है, जो भी भूचाल भी आगे मुझे इससे
पता नहीं इस माहौल में रुक्मिणी बच्चों के लिए कहां कहां भटक रही होगी। माया, बच्चों कहां हो तुम लोग? इस राजमहल पर सबसे पहला हक सूरजपुर के नागरिकों का है, सूरजपुर के हर नागरिकों के लिए। राजमहल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। यहाँ पे उनको गर्म कपड़ा, खाना, पीना, दवाई, हर सुविधाएं मिलेगी। भंडार कक्ष से गर्म कपड़ों का इंतजाम करो। जाओ। अभी? कहाँ हो तुम सब? विशु? विशु? अभी? हे भगवान, मेरे बच्चे। गाइस, मुझे कर देना, यही वो बर्फीला डाला में जिसके बारे में ज्ञान पंडित ने हमें बताया था। वाह, जैसे तो हमें पता नहीं, ये बता इससे बचेंगे किसे? बड़े विशाल प्राणी के बारे में सुना था, उसे ना यति कहते हैं, तो आज से उसे मिस्टर यति बुलाएंगे, है ना? ओए, नामकरण हो गया हो तो फाइट देखो, एकदम मस्त है। मिस्टर यति, चार चलो, काट दो, मराठ दो, काट दो, सब कुछ हड्डी अलग कर दो। बस चिल्ला रहे थे ना, अब देखो मिस्टर यति क्या करते तुम लोगों को। इसे मत मारो। तू पागल हो गया? उसे बचाए क्यों? अगर मिस्टर यति नहीं आते ना तो यही भेड़िया हमें चूस चूस कर खाता। नहीं विशु, यही तो फर्क है हमने और अन्य। जान लेना उनका स्वभाव और जान बचाना हमारा। हाँ विशु, अभी तो ठीक कह रहा है। और गाइस, हम एक काम कर देना, हम मिस्टर यति से ना सुबह सुबह में बर्फीले आफत के बारे में पूछते हैं, है ना? हाँ मिस्टर यति, हमारे सुबह सुबह में एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ गया और सब लोगों की जान खतरे में। गुरु काल ने हमें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था, अभी तो सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। और इस समस्या का समाधान ढूंढने हम आपके पास आए, प्लीज हमें बताइए। गाइस, मुझे तो लगता है ना इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अबे ढक्कन, इतने भारी भारी शब्द बोलेगा समस्या का समाधान? अरे इतने भारी भारी शब्द तो हमें खुद को समझ में नहीं आते। तू कोई सिंपल शब्द बोलना जो इन्हें समझ में और हमें भी। हाँ, मेरे पास एक आईडिया। ज्ञान पांडे ने वो जो हमें सिग्नल बताया ना ऐसे क्रॉस आउट करके, हम उन्हें वो दिखाते हैं ना। ठीक है मिस्टर यति, क्या आप हमें इसका जवाब बताएंगे? हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जो मैं वहां तक पहुंचाएगी। गधा है तू, पेट में सुरंग कैसे होगा? सिर्फ पेट का। हम
वहां तक कैसे पहुंचेंगे? गाइस, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। कर मौत पर सरा हूं। दो घंटा दिया था अभी को, दो घंटा। कवि और उसके साथियों को वो मायावी चाबी लेकर मेरे पास पहुंच जाने चाहिए थे। कहां मर गई है सब लोग, कहां मर गए? मरता मैं जाऊंगा गुरुकाज इस पवन चक्री को चला चला के। मुझे माफ करो, फिर से नहीं चलेगी चक्री। शकोर, अगर तूने चक्की नहीं चलाई तो वरना क्या कर लोगे? मार डालोगे? लो मार डालो मुझे, सुली पर लटका दो, जला डालो। इस बर्फीली चक्री को चलाकर मरने से तो अच्छा है कि मैं सुली पर चढ़ जाऊं। अच्छा, अगर ये बात मैं नागिन से कहूं कि तुम्हें काल सहलाकर कहे तो? मैं अपनी आव के लिए तो हंसते हुए सूली पे चढ़ जाऊंगा। अच्छा, काला कौवा काली खबर लेके आया। रुक और पेरियाने पे। मुझसे आपके जितने बड़े हैं उतने ही अच्छे हैं। हाँ, और ये फल खाने के बाद इनकी पहाड़ पे चढ़ने की शक्ति भी वापस आ जाएगी। ओए, इसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम इसे यद्दी को कहेंगे ना, वो हमें यूं चढ़ा देंगे। शैतान, ये लोग वहां जाने वाले हैं जिसके लिए गुरुकाल यहाँ आया। नहीं, गुरुकाल ये होने नहीं देगा। महारानी, आप यहाँ?
इस हाल में वापस लौट जाइए। बाहर रहने से खतरे से खाली नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं अपने बच्चों के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी अभी शैतान। बॉस, मिस्टर यति के हेल्प के बिना हम ऊंचे शैतान तक कैसे पहुंचेंगे? और सूरजपुर को बर्फीले तूफान से बचाने का तोड़ कहाँ से मिलेगा? ओए, मैं तो कल जो भूल जाऊँ मिस्टर एटी को, अब वो बुरे हो चुके। गाइस, हमें पहले मिस्टर एटी को वापस ठीक करना होगा और उन्हें हमें अपने दुश्मन से अपना दोस्त बनाना होगा। फिर कैसे? गाइस, ये देखो, यहाँ एटी के बारे में कुछ तो लिखा है। ये कौन सी भाषा है? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। हाँ बॉस, और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है कि बुराई का फल व्यक्ति को खिलाने से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वैसे अगर हमने उसे अच्छाई का फल खिला दिया तो वो वापस ठीक हो जाएगा, और वो अच्छाई का फल हमें बर्फीले भक्षकों के क्षेत्र में यहाँ से 10 पहाड़ दूर मिलेगा। बॉस, अगर बर्फीले भक्षक भले होंगे ना तो हम उनसे वो फल मांग लेंगे। नहीं माया, उनका नाम भक्षक है तो वो बुरे भी हो सकते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जो वहां पर उस गुफा की दीवार में था। मतलब वो अच्छाई का फल यहीं कहीं आसपास होगा। चलो जल्दी।